हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। बच्चों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से पैस PAS का टेस्ट लिया जा रहा है और ये टेस्ट आप सभी ने किया है तो आपका साइंस का, मैथ का, हिंदी का सारे पेपर हुए। ठीक है, आज मैं आपको जो साइंस का पेपर दिया था उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सा आंसर क्यों आया। ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक है और क्यों हमने इस आंसर को चूज़ किया उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रीडिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रेशर। ठीक है, मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है? हमेशा 120 और 80 mm पर hg होता है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, द एंथर ऑफ द फ्लावर कंटेंस। एंथर क्या होता है? एंथर जो है ऐसा बना होता है, ठीक है, ये इसकी बेस होता है स्टॉक और ये एंथर है। इसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यही है, एंथर में क्या होता है? एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, प्राकण। ठीक है, हरी पत्तियां तो फूल में नीचे आती हैं, जैसे ये वाला हिस्सा बनाते हैं ना, तो ये ठीक है, अभी नीचे करके बनाना पड़ेगा, तो आप सीधा याद कर लो कि इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, एंथर में, पराग कोष में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम पूरे फूल की बात करें, फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर कैसे होता है? ये इसका बेस होता है फ्लावर का और ये इसका ऊपर, ठीक है, जो है इसका स्त्री केसर होता है, कार्पल होता है और इसमें बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये इसका रंगदार भाग होता है, फूल का सुंदर भाग होता है, पेटल्स कहते हैं इसको, और ये पाई जाती हैं सेपल्स, ये होती है हरी पत्तियाँ। तो अब उन्होंने पूछा है कि ये होते हैं इसके, हम बोलते हैं अभी बोला था ना, जो पराग कोष एंथर जो होता है, एंथर में क्या पाए जाते हैं? एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये आंसर हमारा सही आएगा। बाकी ये तीनों तो जो है, ये वाले दोनों तो उसकी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल के, ठीक है, और सेपल्स जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आंसर, राइट आंसर जो था वो ये वाला था। अब नेक्स्ट आ गया, फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन गिवन डायग्राम। तो क्योंकि ये स्पोर्स बने हुए, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है इसका, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, था स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब देखो ये तो बिल्कुल ही अलग से है, बडिंग में तो बड निकलती है, फिजन में, बाइंड डिविजन में एक चीज़ दो में टूटती है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, फूल का डायग्राम बना होना चाहिए था वो नहीं है। तो अब इसमें ये जो बनी होती है ना फिगर, ये वाली, ठीक है, ये ऐसी फिगर जो बनी होती है तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और ये जो है म्यूकर में होती है, ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम अकर और वी कैन से फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कहाँ पे होता है? तो जो स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन जो होता है ना उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, तो ओवरी का काम होता है एग बनाना, यूट्रस जो होता है फिर फर्टिलाइज्ड एग को वो उसको बड़ा करता है और उसमें भ्रूण बनता है। ये तो आंसर ही ख़त्म हो गया है ना, तो आंसर कौन सा आएगा? फेलोपियन ट्यूब। तो कैसी होती है फेलोपियन ट्यूब, अभी एक फिगर और बनी हुई उसमें बता दूंगी आपको। नेक्स्ट आ गया हमारा कि पार्ट ए और बी बताना है, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है ना नीचे की ओर, एरो लगा हुआ, ध्यान से देखो। तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये तो पल्मोनरी वेन है और ये वाला नीचे वाला जो है वो राइट
वेंट्रिकल है, तो ये आ गया हमारा पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा ठीक बनता है, पल्मोनरी वेन और दाया नीले। पल्मोनरी वेन जो होती है ये हमारी बॉडी की ओनली एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड होता है, बाकी सारी वेन्स जो होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड होता है, पर एक पल्मोनरी वेन है उसमें कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और अब मैं बोल रही थी कि फिलोपियन ट्यूब कौन सी होती है, तो ये होती है फिलोपियन ट्यूब, ये रही, कितनी फिलोपियन ट्यूब है, दो होगी, ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवम बनता है इसमें। ठीक है, तो ओवरी आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द करेक्ट नेम ऑफ पार्ट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का नाम हमने बताना है। ए का नाम बताया हुआ है अंडाशय ओवरी, यही मैंने बताया आपको। बी जो ये वाला है ये है यूट्रस, जब अंडा बनता है, अंडा जो है बन के यहाँ पे आता है, फिर और जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करके यहाँ पे आते हैं, निषेचन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये या इसमें होएगा या इसमें एक में हो जाता है, और अंडा जब फर्टिलाइज हो जाता है फिर इसमें आता है। यूट्रस का काम होता है उस अंडे को फर्टिलाइज, अंडा नहीं बोलेंगे आप इसको, जाइगोट बोलते हैं, तो जाइगोट को बड़ा करना और एक बेबी बनाना। तो आंसर आएगा ए और बी का क्या नाम है, तो इसका नाम है ओवरी और यूट्रस, अंडाशय और गर्भाशय। अगला क्वेश्चन आ गया, ये किडनी का डायग्राम दिखाया हुआ है। क्वेश्चन है, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट, किडनी की फंक्शनल यूनिट का नाम पूछा हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की किडनी जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम बताओ, तो ये नेफ्रॉन इसका नाम है। तो नेफ्रॉन कैसी होती है इस फिगर में, और मैं आपको बता देती हूँ, नेफ्रॉन में एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो ब्लड आता है उसका छाना जाता है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऐसे ऐसे क्वाइल्ड होता है, और उसके बाद हेनले की लूप आती है, और उसके बाद जो ये पार्ट होता है ये भी क्वाइल्ड होता है, और फिर उसमें कोलेक्टिव जो हमारी यूरिटर है उसमें आकर मिल जाती है। तो ये पूरा दिखाया हुआ है नेफ्रॉन, ये है इसकी जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो कौन सा आंसर आएगा, नेफ्रॉन आएगा। अब जाइलम तो आपको पता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम तो प्लांट्स में होता है, फ्लोएम भी प्लांट्स में होता है। ठीक है, किडनी तो मनुष्य में होती है, एनिमल्स में होती है, सजीव है ना, जीवों में होती है। तो ये जाइलम तो पानी को लेके जाता है जड़ों से पत्तियों तक, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पत्तियाँ जो भोजन बनाती है उसको लेके आता है नीचे। तो डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में होता है। तो आंसर कौन सा बचा हमारे पास, नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल बनाने के लिए हम कौन सा जो है एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, ये क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है, उपधातु है ये। और अगला क्वेश्चन आ गया कि कमल इज गेटिंग डिफ़िकल्ट टी इन रिकॉलिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये फोर्थ लेसन से क्वेश्चन लिया गया है, हेल्प कमल टू चूज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस फिगर को देखो, ये तो डायमंड की है, हीरे की है, ये वाली फिगर को देखो ये किसकी है, ग्रेफाइट की है, इस फिगर को देखो ये किसकी है, ये कार्बन 60, ठीक है, बकमिंस्टर की है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या अकेला हीरा है, नहीं, ग्रेफाइट है ये भी नहीं है, क्या अकेला बकमिंस्टर है ये भी नहीं है, है ना, तीन है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया नहीं है। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ती हैं, एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। दो अभिकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो दो अभिकारक जुड़ रहे हैं, एक बन रहा है, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं एक बन रहा है, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं एक बन रहे हैं, ये तो सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रियाएं हैं। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है, क्या बच गया, ये बच गया, कहते ये वाला आंसर हमारा सही आएगा। अब इस आंसर को चूज़ करने का एक और कारण, एक तो हमें पता लग गया कि ये तो तीनों कॉम्बिनेशन है, इसमें दो जुड़ तो रही हैं पर बन भी तो दो रही हैं। अब यहाँ देखो जिंक अकेला था, ये कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ था, इधर देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, ये विस्थापित कर दिया, कॉपर की जगह पर जिंक आ गया, देखो जिंक आ गया ना, जिंक सल्फेट बना लिया, ठीक है, और कॉपर को अलग कर दिया। ये कौन सी अभिक्रिया बन गई, ये तो विस्थापन अभिक्रिया बन गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाली संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये कौन सी अभिक्रिया फिर बताओ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आ गया, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 287 है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज, जोड़ दो इनको, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 और 7 17, तो 17 तो ये पड़ा 17, और इसका नेम भी कहते बताओ, नेम है क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, कहते हैं गिव द नेम ऑफ एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स एंड ए डबल बॉन्ड। 3 कार्बन एटम्स हो तो उसको बोलेंगे प्रोप, ठीक है, 3 होंगे तो प्रोप बोलेंगे, 3 कार्बन एटम्स, और उसमें कौन सा बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड वाले को हमने बोलना होता है ईन, तो क्या नाम बन गया, प्रोपीन। तो आंसर ढूंढो कौन सा है, आंसर आ गया ये वाला सेकंड, प्रोपीन। अब बनेगा कैसे प्रोपीन का फार्मूला, प्रोपीन का फार्मूला 3 कार्बन बोले थे, 3 लगा दिए, एक में डबल बॉन्ड लगाने लगा दिया, बाकी हमने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये आ गया हाइड्रोजन के 3। तो यहाँ पे वैलेंसी पूरी करेंगे, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन के इधर लग जाएगा। तो ये प्रोपीन, प्रोपीन का अगर मॉलिकुलर फार्मूला देखिए तो कितना बनता है, C3H के कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 C3H6, ठीक है। तो आंसर कौन सा आता है, प्रोपीन। अगर हमने प्रोपीन का होमोलोगस सीरीज का नाम बताना हो तो इसका नाम है एल्कीन, सीरीज में आता है प्रोपीन, एल्कीन सीरीज का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो इसमें अगर 3 लगाया तो हाइड्रोजन के कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 3 2 3 2 6। तो आंसर सिंपल ही हमने पूछा हुआ यहाँ पे, तो कौन है, वो है प्रोपीन। अगर 13 बंद बोलते तो फिर क्या होना था, प्रोपाइन, अगर सिंगल बंद बोलते तो प्रोपेन आना था, अब दोहरा बंद बोल रहा है तो आंसर कौन सा बन रहा है, प्रोपीन। मैं बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे करवा रही हूँ कि ये आंसर हमने जो राइट आंसर है वो क्यों राइट है, दूसरे आंसर रॉन्ग क्यों हुए हैं वो भी साथ में कारण बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर्स या मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इनक्रीजिस, बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे एटम का साइज़ परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उतना ही उसके मेटेलिक गुण धातु गुण ज़्यादा होंगे, तो आंसर क्या आएगा, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते इसका नेम बताओ, तो इसका नेम है इथाइल एल्कोहल एथेनॉल, ठीक है, IUPAC नेम पूछा हुआ है तो एथेनॉल, अगर जनरल नेम पूछते तो इथाइल अल्कोहल आना था इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया,
ये है रिएक्टिविटी सीरीज से लिया है ना। तो कहते हैं कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर, कॉपर से ये तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से भी, आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम तो सबसे ही रिएक्टिव है, तो क्या बच गया? जी सिल्वर बच गया। तो सिल्वर जो है उसको कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट आ गया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। टू ऑब्टेन एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट वी शुड प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, किसी भी वस्तु का ऐसा सीधा और बड़ा, देखो वस्तु तो इतनी सी थी, बड़ा बड़ा इमेज बना, इतना बड़ा इमेज बना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा इमेज बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा? ये फोकस, ये वाला फोकस और ये वाला ध्रुव, ये वाला ध्रुव, इसके बीच में रखना पड़ेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन से ऊर्जा के स्रोत है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं? देखो क्या सोलर ऊर्जा का प्रयोग हर घर में कर रहे हैं हम? नहीं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग क्या हर घर में कर रहे हैं? नहीं। क्या भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? नहीं। तो हम किसका प्रयोग हर घर में हमें मिल जाता है? तो फॉसिल फ्यूल का प्रयोग हमें हर घर में देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे हम कोयले पे खाना पका रहे हों, चाहे मिट्टी के तेल पे पका रहे हों, चाहे हम एलपीजी गैस पर पका रहे हों, तो ये सभी हमारे क्या है? पथराट बालन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये करोड़ों वर्षों में बनते हैं। इनका प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए, तभी आजकल हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इनका खोज कर रहे हैं अभी, बर्तन कैसे इसको ज़्यादा प्रभावी बना सकें इसकी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा कि हम कौन सा बरत रहे हैं? तो पथराट बालन। अगला क्वेश्चन आ गया, मीनाक्षी यंगर ब्रदर वॉज गोइंग फॉर ए वॉक विद हर, देन ही आस्क्ड ही सिस्टर व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। मीनाक्षी के भाई ने अपनी सिस्टर से पूछा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आपको नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि ब्लू कलर जो है ना उसकी स्केटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू द मैक्सिमम स्केटरिंग ऑफ ब्लू कलर्स, ठीक है, ब्लू कलर। तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, इन में से किस वस्तु का आसानी से नवीकरणीय किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इजली रिसाइकिल। तो कर तो देखो एल्युमिनियम के को भी कर सकते हैं, कांच को भी कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, पर सबसे आसानी से पूछा हुआ है, आसानी से तो समाचार पत्रों को ही कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। नेक्स्ट आ गया, पालक्स टीचर टोल्ड दैट वी यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ। हम रोजाना के जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा के बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग करते हैं। डू यू नो विच इज़ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा सोर्स बढ़िया हो सकता है जो आसानी से मिल सके वो बढ़िया होगा ना, और जिसको आसानी से स्टोर कर सके, विच इज़ ईजली टू बी स्टोर, जो सस्ता भी हो, फिर अब कौन सा आंसर आना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा आंसर आएगा? ये वाला। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज का जो पेपर था वो क्यों हमने इस आंसर को ही चुनना है इसका कारण भी आपको बताया। मेरे को लगता है आपको समझ भी आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।